आज मैं आपको होली पर विशेष प्रयोग दे रही हूँ धन प्राप्ति के लिए, जिससे वर्ष भर आपके यहाँ धन का आगमन होता रहे विभिन्न रास्तों से, क्योंकि होली, दीपावली, जन्माष्टमी और साथ में गणेश चतुर्थी, ये कुछ ऐसे पर्व होते हैं, ये विशेष पर्व होते हैं, विशेष तिथियां होती हैं, इन्हें मुहरात्रि बोला जाता है। इन पर विशेष उपाय किए जाएं तो एक बार में ही सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों, और सिद्ध होने पर हमारी मनोकामना जो हम चाहते हैं वो जल्दी हमारी पूरी हो जाती है। तो इस दिन को बिल्कुल भी आपको गंवाना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटी पूजा करें, कुछ भी करें धन की प्राप्ति के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना है उसकी प्राप्ति के लिए जरूर इस दिन का प्रयोग उपाय विशेष रूप से कर लेने चाहिए दोस्तों। तो आज ऐसा ही आपको एक दिव्य उपाय देने जा रही हूँ जो वर्ष भर आपके घर में धन आगमन के रास्ते खोलता रहेगा। साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और जीत मुहूर्त का समय बताऊं, साथ में लकी अंक दूंगी। सो दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये रंग भरा त्यौहार आप सभी के जीवन में विभिन्न तरह की खुशियां लाए, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, गुरुवार को होली है, कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में वैसे ही हम इतनी टेंशन है, उलझनों में उलझे रहते हैं, समय नहीं होता है, कभी कुछ जीवन में हजारों तरह की परेशानियां लगी रहती है, जिसमें धन सबसे मेन जरूरत है। जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, आज बच्चे की फीस भरनी है, पैसा नहीं है तो कर्ज लेना पड़ा, और कर्ज आजकल बहुत सुगम हो गया, हर बैंक आपके लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखने लगी है, और व्यक्ति इनके मुंह जाल में फंस जाता है तो भी आप कर्ज ले लेते हैं। अब कर्ज तो ले लेते हैं, उसके उतरने के मार्ग नहीं बनते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ, पहले कुंडली में देखिए कि आपके लिए वो योग है कि नहीं, कि आप कर्ज उतार पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तभी कर्ज लीजिए। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए, अधिक की कामना मत करिए। आपके भाग्य का धन कैसे आपके पास चलकर आए, इसके लिए आज का विशेष उपाय है दोस्तों। इस उपाय में पहले आपको दो उपाय दे रही हूँ, दोनों ही उपाय एक दूसरे की कड़ी हैं, तो आपको जरूर करने हैं। तो 17 तारीख को सुबह ही आपको एक बड़े बाउल में कांच का ट्रांसपेरेंट बाउल लीजिए, और पीली वाली सरसों इसको भरकर अपने घर के बीचों बीच स्थान में, केंद्र स्थान पर, किसी भी टेबल पर, यहां पर इसको भर के रख दीजिए, और दिन भर इसको पड़ा रहने दीजिए। जब होली जलती है, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मैडम हमारे घर में जो होली नहीं जलती, कोई बात नहीं है, आपके मोहल्ले में जलती हो, आपके शहर में जलती हो, वहां जाकर भी आप ये प्रयोग कर सकती हैं, घर में ना जलती हो कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए घर में नहीं जलती और आप बड़े टेंशन में हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, एक गोबर का उपला मंगा लीजिए, और जिस समय होली जलती है उस समय अपने घर के बाहर आ जाइए, उस उपले पर भी ये चीजें आप जलाकर समर्पित कर दीजिए, और फिर इसकी राख को आप बाहर फेंक दीजिए, तो भी आपके लिए वही कार्य करेगा। इस पीली सरसों को आपने भर के बीचों बीच सेंट्रल हॉल में कटोरे में रख दिया। रात के समय जब आप होली चल रही है, बहुत जगह रात में जलती है, बहुत जगह दूसरे दिन सुबह भी जलती है, होली वाले दिन जिस दिन पड़वा होती है, खेली जाती है, उस दिन भी जलती है। तो जब जलती हो आपके यहाँ, इस सरसों की कटोरी को उठाइए, पूरे घर में एक कोने से शुरू करिए, दोबारा वापस उस जगह पर नहीं आना, पूरे घर में घूम जाइए, और इसे ले जाकर आप उस होली की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। तो जितनी भी घर की निगेटिविटी होगी, जैसी भी कैसी भी आपके घर में तंत्र मंत्र कुछ भी होगा ऊपर किया कराए, वो सब इस पीली सरसों में चला जाएगा और आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अब दूसरा प्रयोग आपको रात के समय करना है, रात में आपको रात्रि में 11 से 1 के बीच में आप इस प्रयोग को कर लीजिएगा। इस प्रयोग में आपको एक व्हाइट कलर का चौकोर, पूरी A4 शीट ले लीजिएगा, एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिएगा, रोली आप सभी जानते हैं जो पूजा में इस्तेमाल करते होती है, जो कुमकुम बोला जाता है, जो माथे पर देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं वो, और साथ में इसमें मिक्स करिए हल्दी, एक कटोरी में इसको तैयार करके रख लीजिए घोल को, कागज रख लीजिए, घी का दीपक जलाइए, उसमें आप कलावे की बाती डालिए, थोड़ा सा उसमें केसर है तो केसर डाल दीजिए, चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल दीजिए, साथ में एक लोटा जल भर के रखिए। अब सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, उसके बाद क्षेत्र के देवता, नगर के देवता को ध्यान कीजिए, अनुमति लीजिए, दीप देवता की अनुमति लीजिए, उसके बाद फिर आप एक बार संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पत्नियां कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, उसके बाद मनोकामना कि मैं धन की कामना के लिए उपाय करने जा रही हूँ, वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मेरे घर में बनी रहे, विभिन्न रास्तों से मेरे भाग्य का धन मेरे पास चल कर आए, इस कामना के साथ मैं आज ये प्रयोग करने जा रही हूँ। अब इस पेपर पर आपको
शिम लिखना है, इस तरह से शिम लिखना है, बिंदी नहीं लगानी, केवल श्री लिखना है। आपको मन में बोलते जाइए और 108 बार श्री लिख लीजिए, श्री एक, श्री दो, श्री तीन, श्री चार, इस तरह से आप 108 बार लिख लीजिए। 108 बार केवल श्री लिखना है, बिंदी नहीं लगानी है। अब अगली बार इसमें फिर श्री का जाप करते जाइए और फिर सब पर बिंदी लगाते जाइए। उसके बाद फिर आपको इस तरह से इस पर दोस्तों बिंदी लगाते जाना है। एक बार आपने ऐसे लिख लिया, दूसरी बार में आपको इस पर बिंदी लगानी है, इस तरह से बिंदी लगाते जाना है। ये लिखा हुआ है इस पर, इस तरह से बिंदी लगाते जाना है, इस तरह से आपको उसी पेस्ट से बिंदी लगाते जाना है। पूरे पेपर पर बिंदी लगा दीजिए और इसको माता माँ लक्ष्मी के आगे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर एक माला शिव की मंत्र की जाप कर लीजिए। शिव मंत्र की एक माला जाप करने के बाद आरती कीजिए। मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगाइए, किशमिश का, खीर का, जो आपको पसंद हो चीज, उसे किसी और को नहीं खाने को देना, अपने घर के परिवार के सभी सदस्य खाएंगे। ये तीन माला का जाप करके इस पेपर को माता माँ लक्ष्मी के आगे आप रख दीजिए। अब नियमित इस पर एक माला शिव मंत्र का आप जाप शुरू कर दीजिए। बाद में जब ये सूख जाए तो इसे फोल्ड करके माता माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और वर्ष भर शिव मंत्र की एक माला नियमित आप जाप करिए, चाहे सुबह के समय चाहे शाम के समय। साथ में डेली आपको मनोकामना भी बोलनी होगी कि मेरे भाग्य का धन मेरे पास चल कर आ रहा है, विभिन्न रास्तों से चल कर आ रहा है। देखिए इस एक प्रयोग से ये कागज यहीं रहेगा, वर्ष भर रखा रहेगा आपके पास ये कागज, इसको हटाना नहीं है। चाहे तो इसे आप अपने धन स्थान पर जहां आप अपना गल्ला रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहां रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी इसे घर के मंदिर में ही माता माँ लक्ष्मी के चरणों में ही रखा रहने दीजिए। वर्ष भर आपके लिए विभिन्न रास्तों से धन की व्यवस्था होना शुरू हो जाएगी, विभिन्न रास्तों से धन आएगा भी, टिकेगा भी और आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। ये चमत्कारिक उपाय है, करके देखिएगा। आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि इससे आपको कितना फायदा हुआ। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि नौ ग्रहों पर आधारित होते हैं, इन प्रयोगों करने के लिए ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। इन्हें कोई 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति इन प्रयोगों को कर सकता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको क्लीन करते हैं और निगेटिविटी को दूर रखते हैं आपके जीवन से, आपके परिवार से। भाग्य का साथ दिलाते हैं, सोचे हुए कार्य आपके समय से पूरा होने लगते हैं। 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 2:00 से 3:22 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:05 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 1 चम्मच शहद का सेवन करना है। अब जिन्हें डायबिटीज है वो केवल 2 बूंद शहद अपनी जीभ पर डालेंगे और सेवन कर लेंगे। 2 बूंद शहद आपको नुकसान नहीं करेगा और ये हमने मिथक बना लिया है कि अगर हम मीठा खाएंगे तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी। शुगर हमारी केवल मीठा खाने से नहीं बढ़ती है, हमारे टेंशन लेने से, हमारे बहुत अधिक सोचा विचारी करने से, बार बार हर चीज को बार बार रिपीट करने से, ये नहीं खाऊंगी शुगर बढ़ जाएगी, ये नहीं खाऊंगी शुगर बढ़ जाएगा, तो इससे भी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाती रहती है, हर चीज की नकारात्मकता आपके अंदर जाने लगती है और वो बीमारी आपकी दूर नहीं होती है। सो दोस्तों इस प्रयोग को आप जरूर कर लीजिए। आज का जादुई अक्षर है गजानन वाला गा। इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनका ये वर्ष शुभ है, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर के पेन से 8 नंबर यानी 8 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आप ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली का विश्लेषण एक तरह से आपके वो टेस्ट रिपोर्ट, आपकी होल बॉडी की वो टेस्ट रिपोर्ट होती है जिसमें आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आप एक्सरे कराते हैं, जिससे कि आपके अंदर रोग बीमारियों का पता चल जाता है। इसी तरह से कुंडली का विश्लेषण आपके ग्रहों के आपके जीवन में चल रही रोग बीमारियों का पता चलता है, किसे आपको ठीक करना है, आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या आपको खाना है, क्या छोड़ना है, क्या उपाय करने हैं, वो सारी चीज़ें इसी में डिस्कस हो जाती हैं। हो सकता है आपका नाम आपको परेशानियां दे रहा हो, उसकी भी रेमेडी दी जाती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है अपने जीवन में
तरक्कियां प्राप्त करने के लिए। ये सुविधा मेरी पेड होती है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ में ही वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों आप मुझे वीडियो के बारे में आप मुझसे कॉल करके पूछते हैं, मैं वहां आपको नहीं बता पाती हूँ, सो सॉरी, आपको वीडियो के नीचे ही कमेंट में लिखना होगा। साथ में किसी अन्य विषय के ऊपर चाहते हैं वीडियो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपनी समस्या, अभी मैंने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, अगर मुझे वहां पर ही समझ में आता है आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब दे दूंगी। इसके अलावा दोस्तों जब मैं कमेंट सेक्शन अपना लेना शुरू करूंगी, कुंडलियों का विश्लेषण शुरू करूंगी, तो मैं आपको फिर से आपको बताऊंगी। सो धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। आप मेरे कोई भी उपाय कर रहे हैं तो पूरे ट्रस्ट और विश्वास के साथ में कीजिए कि ये उपाय आप पर काम कर रहे हैं, फिर आप देखिए कि कैसे आपको इन उपायों से आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।